दोस्तों, भारतवर्ष को पौराणिक देश माना जाता है। यहाँ पर विद्वान कई चीज भारत की प्राचीनता को दर्शाती है। वैसे तो मोहन जोदड़ो के अलावा ऐसी और भी बहुत सारी चीज थी जो हमारे भारत को यूनिक बनाती है, लेकिन बरसात के मौसम में उदयपुर का एक गांव, जिसे कांतेवापुर के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। सच कहूँ तो इस गांव के जितना भयानक गांव उस टाइम कोई नहीं होता जब सावन का महीना चल रहा होता है। कहते हैं कि सावन के महीने में उस गांव की भयानक कहानी उभर कर आती है। लोग उस गांव के आसपास जाने से भी कतराते हैं, लेकिन मैंने तो हिम्मत जुटाई और उस गांव के मेन रोड और पुराने स्टेशन पर पहुंच गया था। उसके बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए एक भयानक याद बन गया। तो आइए जानते हैं मेरे साथ हुआ एक बहुत ही डरावना किस्सा मेरी ही जुबानी। मेरा नाम अरविंद अग्रवाल है और मैं अग्रवाल खानदान से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन जब बात घूमने की आए तो भी मैंने कोई इलाका नहीं छोड़ा। अब अचानक मुझे अपने एक दोस्त सुधीर शर्मा से पता चला कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जो सावन के महीने में बड़ा भयानक बन जाता है, तो फिर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अक्सर मुझे ऐसी जगह पर घूमने में बड़ा मज़ा आता था और ऐसी जगह पर जाकर मैं लोगों को ये दिखाना चाहता था कि मेरे जितना हिम्मत वाला शायद आसपास में कोई भी नहीं है। हर कोई ऐसे इलाके में जाने से डरा करता था, लेकिन मैंने कभी भी इन तरह की चीज़ों से मात नहीं खाई। मुझे लगा कि जैसे मैंने पहले कुछ गांव में जाने की हिम्मत की है, बिल्कुल उसी तरह मैं आज भी बड़ी सरलता के साथ उस गांव में एंटर कर लूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि कभी कभी चीज़ विपरीत भी हो जाती है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ। शाम को लगभग 9 बजे के आसपास मैं अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए निकला। बातों ही बातों में हमें उस गांव का नाम याद आ गया। और फिर क्या था, गाड़ी में पेट्रोल तो था ही, ऐसे में मैंने गाड़ी को शहर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जिस शहर के बगल में ये गांव पड़ता था, वैसे तो मेरा मूड था कि मैं दिन में ही उस गांव से निकल जाऊं, लेकिन जब हम उस शहर के करीब पहुंचे तब तक हमें शाम हो चुकी थी और उस गांव की दूरी अभी भी लगभग 18 किलोमीटर की बची हुई थी। ऊपर से भूख ने हम दोनों को हताश कर दिया था। हमने पहले तो सोचा कि हम यहीं से थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं। फिर जब हमने एक होटल के आसपास में अपनी गाड़ी को रोका तो उस होटल वाले ने बताया कि वो लोग अभी के अभी होटल को बंद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी एक टाइमिंग होती है और वो उस टाइमिंग के हिसाब से ही चलते हैं। यानी कि हम होटल के अंदर बैठकर तो खाना नहीं खा सकते थे, इसलिए हमने कुछ मीठी चीज़ मंगवा ली और साथ ही शाही पनीर के साथ बटर नान रोटी मंगवा कर अपनी गाड़ी में रख लिया। हम ये सब खाना बड़े आराम के साथ खाना चाहते थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि हम दोनों सड़क के बगल में बैठकर आराम से खाना खाएंगे। अब उस गांव की दूरी भी थोड़ी कम ही बची थी, तो मुझे लगा कि पहले मुझे मंजिल तक पहुँच जाना चाहिए, खाना तो बाद में भी हो सकता है। ऐसे में मैंने गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया और हम जल्द ही उस गांव के करीब पहुंच गए। जैसे ही हम उस गांव के करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वहां का इलाका बड़ा खामोश था। वहां आसपास हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से ठंडी ठंडी हवा चलने की वजह से शरीर में एक अजीब सी अकड़न महसूस होने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस गर्मी के महीने में भी मेरे पूरे बदन को ठंडी हवा ने अपने अंदर जकड़ लिया है, जिस वजह से हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे भाई एक काम कर, जल्दी से खाने का टिफ़िन खोल, यहीं पर खाना खाते हैं, सब्जी वगैरह खाने से थोड़ी एनर्जी तो आएगी। उसने भी मेरी बात मानी और वो खाना लेकर आ गया। हम दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और सड़क के बगल में बैठकर खाना खाने लगे। वहाँ ठंडी हवा में खाना खाने का अलग ही स्वाद था। हालांकि हम दोनों को ठंड तो लग रही थी, लेकिन साथ ही खाने में भी एक अलग सा ही मज़ा आ रहा था। यूं ही खाना खाते खाते मेरे दोस्त ने कहा, भाई तुम्हें ये एरिया अजीब सा नहीं लगता? उसकी बात सुनकर मैंने कहा,
अरे भाई, इससे पहले भी मैंने कई ऐसे ही इलाके देखे हैं जो दिखने में तो अजीब तो लगते हैं, लेकिन कभी भी मुझे उनसे डर नहीं लगा। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगा। तभी मेरे दोस्त ने कहा, भाई कभी कभी हम चीज़ों को पहचान नहीं पाते और अक्सर बाद में वो चीज़ हमारे साथ विपरीत असर डालती है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, अच्छा तुम्हारा मतलब है कि यहाँ सच में कोई भूत है? तो इस पर उसने कहा, अरे नहीं, मतलब मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि हम अपनी बात ख़त्म कर पाते, अचानक एक गाड़ी की हेडलाइट ने हम दोनों का काम बिगाड़ दिया। हमने सोचा था कि उस सुनसान गांव के अंदर हमारी गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन उस गाड़ी की हेडलाइट ने हम दोनों को ही चौकन्ना कर दिया। मैं अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोला, क्यों भाई, तूने तो बोला था कि इस गांव के अंदर रात होने के बाद कोई नहीं आता, फिर ये गाड़ी कहाँ से आ गई? ये सुनकर मेरे साथ मेरा दोस्त भी हैरान होते हुए बोला, अरे भाई मैंने भी तो यही सुना था, हालांकि मैं इस गांव में पहले कभी आया नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि रात में यहाँ पर कोई नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, चल इस गाड़ी वाले को देखते हैं कि आखिर ये है कौन जिसने देर रात इस गांव में आने की हिम्मत जुटाई। हम दोनों एक दूसरे के साथ उस गाड़ी की तरफ चलने लगे, लेकिन वो गाड़ी हमारे बगल से बहुत तेज स्पीड में निकल गई। हमने उसके सामने हाथ दिखाकर उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। हम समझ गए कि ये इस गांव का ही खौफ है कि लोग यहाँ पर अपनी गाड़ी नहीं रोकते। हम दोनों मुस्कुराते हुए वापस खाना खाने के लिए बैठ गए। इस बार हमने जैसे ही अपनी थाली की तरफ देखा तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। एक बार के लिए तो मेरी जान जैसे हलक में ही आ गई थी। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे जाने के बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है। हमने देखा कि हमारा पूरा खाना एकदम से गायब हो चुका था, खासकर हमने जो मिठाई खरीदी थी, अब उनमें से वहाँ कुछ भी नहीं था। मैं अपने दोस्त की तरफ देखते हुए बोला, अरे भाई ये किसने किया? मेरी बात सुनकर वो भी हक्का बक्का रह गया। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए। तभी उसने कहा, भाई लगता है कोई जानवर ये सारा खाना उठा ले गया। हालांकि हमने थोड़ा बहुत खाना पहले ही खा लिया था, इसलिए हमारी थोड़ी बहुत भूख तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बात बड़ी अजीब थी कि आखिर खाना उठाया तो उठाया किसने। हम यही सोच रहे थे कि तभी मेरे दोस्त ने कहा, भाई चल बगल में देखते हैं कि कोई जानवर नज़र आता है या फिर नहीं। उसकी बात सुनकर मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। वहाँ कुछ बड़े बड़े टीले बने हुए थे मिट्टी के। उन टीलों के ऊपर किसी जानवर का होना तो मुश्किल था, लेकिन हाँ, टीलों के दूसरी तरफ एक छोटा सा जौहड़ भी नज़र आ रहा था। अक्सर उसे छोटा जंगल भी कहा जाता है। हो सकता था कि उस छोटे जंगल के अंदर हमें कुछ ऐसा नज़र आ जाए जो हमारा खाना उठाकर ले गया हो। हम धीरे धीरे अब उस जौहड़ की तरफ बढ़ रहे थे कि एक बार फिर से हमें किसी गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी नज़र आई। अब की बार मैंने जैसे ही गाड़ी की उस हेडलाइट की रोशनी को देखा तो अपने दोस्त से कहा, इस बार तो इसको जाने मत देना, हम इस गाड़ी के ड्राइवर से पूछते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, वो बार बार यहाँ चक्कर क्यों काट रहा है, कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि रात को लड़के किसी सुनसान जगह पर लड़की को लेकर आते थे। ऐसे में हम सावधान थे। अब हम अपने खाने पर ध्यान देने के बजाय वापस से सड़क पर पहुंच गए थे, लेकिन हमारे आने से पहले ही वो गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तार से वहां से निकल गई। असल में ये वही कार थी जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था। उस कार को फिर एक बार वहां देखकर अब मेरा शक यकीन में तब्दील हो चुका था कि कहीं ना कहीं मैं इस बात को समझ चुका था कि बार बार ये गाड़ी इसलिए ही इस तरफ आ रही है क्योंकि यहाँ पर हो ना हो किसी लड़की का चक्कर है। हम दोनों यहीं देखने के लिए उस गाड़ी का पीछा करने लगे। हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जिस तरफ वो कार निकल रही थी उसी तरफ हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसका पीछा करने लगे। हम थोड़ा ही दूर आगे पहुंचे थे कि हमने देखा कि वहाँ पर एक पुलिस चेक पोस्ट बना था जिस पर ठहरिए नाम का एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड को देखते ही हमारी आँखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि अक्सर ऐसे इलाकों में जाने से साफ मना किया जाता है,
और अगर हम जानबूझकर ऐसे इलाकों में जाते हैं तो पुलिस हमारे ऊपर भाई ऑब्जेक्शन उठा सकती है। हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। हम जैसे ही उस बोर्ड के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक दो पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने तुरंत ही गाड़ी रुकवा ली और गाड़ी रुकवाते ही पूछा कि कौन हो तुम लोग और इतनी रात को इस गांव में क्या कर रहे हो। उस पुलिस वाले की बात सुनकर हम दोनों थोड़ा सा घबरा गए। उसके बाद उन पुलिस वालों ने कहा कि तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। शायद तुम दोनों जानते नहीं हो ये इलाका बहुत ख़तरनाक है। अब तुम दोनों को हमारे साथ थाने में चलना होगा। उसकी बात सुनकर हम दोनों घबरा गए। फिर उस पुलिस वाले ने कहा, अरे चिंता मत करो, हम तुम्हें कैद करके नहीं रखेंगे। हम तुम्हें आज रात के लिए वहीं पर छोड़ देंगे और सुबह होते ही वहां से अपने घर के लिए निकल जाना। सच बताऊं तो मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में कोई नरम दिल वाले पुलिस को देखा था, जो बड़े आराम के साथ बात करता था और तो और हमें रहने के लिए सुविधा भी दे रहा था। उसके बाद हमने भी उस पुलिस वाले की बात मान ली और उसके साथ चल पड़े। उसने हमें अपनी गाड़ी में बैठाया और हमारी गाड़ी को वहीं बगल में खड़ा करवा दिया। हम दोनों उसके साथ चले और सीधा एक पुलिस थाना में पहुंच गए। हमें ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वो पुलिस थाना उस छोटे से गांव से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर ही था। जहां तक हमें मालूम था, उस गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर के एरिया में कोई पुलिस स्टेशन नहीं था। ये चीज़ हमें थोड़ा हैरान तो कर रही थी, लेकिन उन पुलिस वालों के सामने हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे। पुलिस की गाड़ी सीधा एक पुराने से पुलिस स्टेशन के पास जाकर रुक गई। हमने देखा कि वो दिखने में पुलिस स्टेशन बड़ा पुराना लग रहा था। ऐसे में मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई तुझे नहीं लगता ये पुलिस थाना थोड़ा अलग ढंग से बना हुआ है और थोड़ा अजीब है। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उस पुलिस वाले ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो। हमने देखा कि उस पुलिस थाने में 2-3 पुलिस वालों के अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने उस पुलिस वाले से कहा, अरे कुछ नहीं साहब जी, हम तो बस ऐसे ही अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं। तभी उन्होंने हमारे हाथ पकड़े और रस्सियों से हमारे हाथ बांधने शुरू कर दिए। अब जो उन्होंने हमारे साथ किया वो हमारे लिए बड़ा हैरान कर देने वाला दृश्य था। उन्होंने तो हमें बताया था कि वो सिर्फ हमें आज रात रुकने के लिए जगह देंगे, फिर वो हमारे हाथ क्यों बांध रहे थे। मैंने जब ये बात उस पुलिस वाले से पूछी तो उसने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहा, तुम दोनों को मौत के घाट उतारना है। अब तक उसकी आवाज़ बदल चुकी थी और धीरे धीरे उस पुलिस वाले का हुलिया भी बदलने लगा था। मैंने देखा कि इतनी देर से जो पुलिस वाला मुझे अपनी पुलिस की ड्रेस में नज़र आ रहा था, अब उसकी ड्रेस खून से भर चुकी थी। उसके माथे से खून टपक रहा था और उसके हाथों में भी बड़ी गहरी चोट आई हुई थी। उसका चेहरा बहुत खूंखार बन गया था। उसने भारी और डरावनी आवाज़ में कहा, तुम लोगों को उस गांव में नहीं आना चाहिए था, तुमने यहां आकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं समझ गया कि हमारे साथ क्या खेल चल रहा है। मैंने अपने दोस्त को भागने का इशारा किया, लेकिन तब तक उसके हाथ भी बांध दिए गए थे। ऐसे में हम दोनों का वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक उन पुलिस वालों ने हमारे हाथों को पकड़ लिया और वो हमें खींचने लगे। शायद वो हमें किसी सलाखों के पीछे ले जा रहे थे, कुछ ऐसी सलाखें जिनके पीछे अक्सर मौत की कहानी लिखी जाती है। हम जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमें पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया था। हम दोनों दोस्त बुरी तरह से डरे हुए थे। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा था कि आखिर मैं इस जगह पर क्यों आया। जब मेरे दोस्तों ने मुझे बता दिया था कि उस गांव में जाना मतलब अपनी मौत को बुलाने जैसा है, तो भी मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी थी। वो पुलिस वाले हमें एक सलाखों के पीछे लेकर गए और फिर वहीं पर बंद कर दिया। हम दोनों को विश्वास हो चुका था कि अब थोड़ी देर के बाद वो लोग हमारे साथ कुछ बहुत भयंकर करने वाले हैं। ऐसे में हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता तो ढूंढना ही था, लेकिन सलाखों के पीछे होने की वजह से हम यहाँ से निकल भी नहीं सकते थे। हालांकि जिस जगह पर उन्होंने हमें बंद किया था वहाँ के दरवाजे अब काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। ऐसे में हम उन्हें तोड़ने की कोशिश तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा करते हुए अगर किसी ने हमें देख लिया होता तो शायद हमें वहीं मार डालते।
ऐसे में पहले हमने थोड़ा संभल कर ये सब करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बार बार हमारी कोशिश नाकाम हो जाती। हम लगातार 2 घंटे तक इसी तरह कोशिश करते रहे। इसके बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अपने जूते पटकते हुए हमारी तरफ आ रहा है। जैसे ही हमने सामने देखा तो पाया कि सामने वाले काउंटर के ऊपर एक पुलिस वाला बैठा हुआ था। उसके ऊपर एक लाइट जली हुई थी। वो 1 मिनट में वहाँ कहाँ से आ गया ये सब हमें नहीं मालूम। हमने देखा कि जैसे ही वो लाइट ऑन हो रही थी तो उस पुलिस वाले का खून से लथपथ वो चेहरा हमें अंदर ही अंदर डरा रहा था, और जैसे ही लाइट ऑफ होती तो अचानक उस कुर्सी से गायब हो जाता। हमारे साथ किसी भूतिया फिल्म की तरह नज़ारे चल रहे थे। कभी हमें कोई शैतान नज़र आता तो कभी वहाँ एकदम से गायब हो जाता। ऐसे में अब हमें ये टेंशन होने लगी थी कि आखिर हम करें तो करें क्या। इधर मेरा दोस्त भी अब पूरी तरह से हताश हो चुका था। तभी मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई तो चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तभी मेरी नज़र एक जाली पर पड़ी। मैंने देखा कि वो जेल की एकमात्र ऐसी जगह थी जो टूट सकती थी, और तो और वो दरवाजे के बिल्कुल बगल में लगी हुई थी। ऐसे में उसे तोड़ना मुश्किल तो था, लेकिन हम कोशिश कर सकते थे। ऐसे में मैंने अपने दोस्त की तरफ इशारा करके उसे बताया तो उसने भी गर्दन हिलाई। हम दोनों ने एक साथ उसको तोड़ना शुरू कर दिया। लगातार 10 से 15 मिनट की कोशिश के बाद फाइनली वो जाली एकदम से टूट गई। साथ ही हमारी ज़िंदगी जीने की उम्मीद एकदम से बढ़ गई। सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को किसी तरह वहाँ से बाहर निकाला, और फिर मैं भी उसके पीछे पीछे उस छोटे से खांचे से बाहर निकल गया। लेकिन हम जैसे ही बाहर निकले तो हमने देखा कि वो पुलिस वाले पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उन सभी की गर्दन नीचे झुकी हुई थी, मानो उनकी गर्दन टूट कर लटक गई हो। हमने उसी वक्त वहाँ से सरपट भागना शुरू कर दिया। किसी तरह हम उस सड़क पर पहुँचे जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। लगभग 15 मिनट बहुत तेज दौड़ने के बाद हम दोनों अपनी गाड़ी के पास पहुँचे, और तब जाकर हमारी सांस में सांस आई। हालांकि हमें अभी भी लग रहा था कि हम सही सलामत नहीं हैं, लेकिन गाड़ी के पास पहुँचने के बाद किसी तरह से गाड़ी स्टार्ट की और हम वहाँ से निकलने लगे। रास्ते में निकलते वक्त हमें बार बार वही पुलिस वाले नज़र आते। कभी सड़क के बगल में कोई खड़ा हुआ नज़र आता तो कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारी गाड़ी की छत के ऊपर मौजूद है। लेकिन जितना हो सके हमने इस बात को नज़रअंदाज किया, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ों पर ध्यान देने से ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर और प्रभाव डालती हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि नकारात्मक शक्तियों को जितना इग्नोर किया जाता है उतना ही हमारे लिए बेहतर होता है। किसी तरह हम अपनी जान बचाकर उस गांव के इलाके से बाहर निकल आए और एक होटल के पास पहुँचे। वैसे तो वो होटल बंद था, लेकिन हमने उस होटल के खुलने का इंतज़ार किया, और फिर सुबह होने के बाद हमने पूरी घटना वहाँ के लोगों को बताई। लेकिन हमें उस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि लोगों का कहना है कि उस गांव में कोई घटना कभी भी घट सकती है और किसी भी तरह के लोग उस गांव में नज़र आते हैं। लेकिन वहाँ के कुछ बुज़ुर्ग लोग बताते हैं कि उस गांव को एक अघोरी ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बुरी महामारी फैली और सबकी मौत हो गई। उसके बाद से उस गांव के लोगों की आत्मा उसी गांव में भटकती रहती है।